गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट. दिस इज योर EVS क्लास. आई एम योर EVS टीचर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. ये न्यू ईयर, नया साल आपको, सारे स्टूडेंट्स को, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा रहे सबके लिए. 2020 में हमने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बहुत सारी सबने बहुत डिस्टर्ब रहे हैं. बट हम प्रे करते हैं गॉड से कि ये 2021 हम सबके लिए, चाहे वो कोई भी हो, हमारे फैमिली मेंबर हो, पेरेंट्स हो, हमारे नेबर हो, कोई भी हमारे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, एक्सपेस एड, सबके लिए बहुत अच्छा रहे. ऐसे हम विश करते हैं और अपना न्यू साल ईयर का वेलकम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ का आपका जो अभी जो हम चैप्टर आज स्टडी कराएंगे वो है चैप्टर 13, विच इज लोकेटिंग अ प्लेस. यानी कि लोकेटिंग माने होता है उस स्थान, वो प्लेस, स्थान, हम जहाँ रहते हैं, हम उसकी लोकेशन, उसका कैसे पता करेंगे कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमारा वहाँ का. तो आपके, आपको आज इस चैप्टर में, उसमें किस डायरेक्शन में है, इन सारी चीजों के लिए आज हम आपको इस चैप्टर में स्टडी कराते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. Every students open your book with chapter 30. Start the chapter. The knowledge of locating a place is an area or an or on a map is very important. The knowledge, जो knowledge है, जो ज्ञान है of locating a place, कि कौन, जो जो हमारी जगह है वो किस location पे है, ठीक है, in एरिया और एन ए मैप, चाहे वो कोई एरिया वाइज हो या किसी मैप में दर्शाया जाए, इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो कोई भी हम प्लेस है कि वो मैप में किस जगह पर है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, स्थान क्या है, इन इस सब के बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस सिंपलेस्ट वे टू लोकेट अ प्लेस इज बाई नेमिंग द डायरेक्शन. ये जो सिंपल सा, आसान सा जो वे है, रास्ता है टू लोकेट अ प्लेस का, किसी भी स्थान को हमें उसको समझने का कि वो कहाँ पर है, इज बाय नेमिंग द डायरेक्शंस. तो वो हम उसको कैसे पहचानते हैं, डायरेक्शन के नाम से पहचानते हैं. ओके, डायरेक्शन माने क्या होता है, डायरेक्शन माने होता है हमारी दिशा, हम उसको दिशा के अनुसार पहचानते हैं. देर आर फोर मेजर डायरेक्शन. आपको पता होगा कि हमारी जो मेजर डायरेक्शन, जो मेन जो डायरेक्शंस है, वो हमारी फोर मेन डायरेक्शन है. ओके, हमारी चार है मेन डायरेक्शन. कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसको हम बोलते हैं जनरल वे में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ईस्ट माने पूरा, वेस्ट माने पश्चिम, नॉर्थ माने उत्तर और साउथ माने दक्षिण. ओके, ये हमारी फोर मेन डायरेक्शन होती है, यानी कि दिशाएं होती हैं. द डायरेक्शन, सॉरी, देखिए, द डायरेक्शंस, जो दिशाएं होती हैं बिटवीन द मेजर डायरेक्शंस आर कॉल्ड द सब डायरेक्शंस. जो हमारी जो दिशाएं होती हैं उनके बीच में, बिटवीन माने बीच में, तब मेजर डायरेक्शन, कुछ मेजर डायरेक्शन भी दी गई हुई, कुछ मेजर दिशाएं भी दी हुई हैं, आर कॉल्ड द सब डायरेक्शन. तो वो क्या कहलाती है, हमारी सब डायरेक्शंस कहलाती है, यानी कि उनकी उप दिशाएं कहलाती हैं. देखिए, द फोर सब डायरेक्शंस, द फोर सब डायरेक्शंस आर, हमारी चार हमारी मेन डायरेक्शन है और चार ही हमारी सब डायरेक्शंस हैं. वो कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. देखिए, नॉर्थ ईस्ट कौन सी है हमारी, इसमें आप देख सकते हैं एक पिक्चर दी हुई है, इसमें हमारे जो चार बॉक्स बना हुआ है, ये चार मेन डायरेक्शन है. सबसे पहले हम डायरेक्शंस को कैसे मेजर करते हैं, जहां हमारा सनराइज होता है, देखिए इसमें आप इस पिक्चर को भी देखिए, समझ सकते हैं, जहां हमारा सनराइज होता है, हम उस साइड जहां सूरज निकलता है उस डायरेक्शन में हम फेस करके अगर खड़े हो जाते हैं तो वो हमारा होता है पूरब, बिकॉज सन जो है राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन हमारा जो है वो पूरब में निकलता है, ठीक है, तो वो साइड हमारी पूरब होती है. देन हमारे पूरब में हमारा अगर फेस है और तो हमारी बैक साइड कौन सी हो जाएगी, पूरब, और वो पीछे वाली हमारी हो जाएगी पश्चिम. ओके, तो आप देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे यहाँ ये बॉय खड़ा है, इसने फेस करा सन की तरफ, तो ये सामने हो गया, पूरब डायरेक्शन हो गया, क्योंकि सन पूरब में निकलता है, और इसके बैक डायरेक्शन में यहाँ क्या हो गया, पश्चिम. ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें भी ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया. क्लियर हो गया दो डायरेक्शन.
नेक्स्ट है हमारा, जब हम ऐसे खड़े होते हैं सन की तरफ फेस करके, तो हमारा जो राइट हैंड होता है, जो हमारा सॉरी स्टूडेंट्स राइट नहीं, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है, ओके ये देखिए आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसमें ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, और जो हमारा राइट हैंड होता है उधर हमारा क्या होता है, हमेशा उधर हमारा डायरेक्शन आता है हमारा आता है नॉर्थ, ओके यानी कि उत्तर दिशा आती है, और उसके जब अपोजिट में हमारा आ जाता है दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके आप देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके स्टूडेंट्स ये हमारी फोर डायरेक्शन हो गई। आपको डायरेक्शन भी समझ में आ गया होगा कि अगर पूरब की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो वो पूरब हो जाती है, देन बैक साइड हमारी पश्चिम, राइट हैंड पे नॉर्थ और लेफ्ट हैंड पे साउथ, ओके देखिए आप पिक देख लेते हैं हम एक बार, जब भी हम कभी ऐसे पिक में शो प्लस के साइन में अगर शो कराते हैं तो हमेशा हमारा जो ऊपर का एरिया होता है वो हमारा नॉर्थ हो जाता है, डाउन एरिया जो हमारा बॉटम है वो साउथ हो जाता है, ईस्ट हमारा हमेशा कहाँ होता है, हमारा ईस्ट होता है राइट हैंड पे, और वेस्ट हो जाता है हमारा लेफ्ट हैंड पे, ओके हमारी जो सब डायरेक्शन है ये देखिए आप, पहले नॉर्थ और ईस्ट देखिए, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हमारी दोनों के बीच में हमारी क्या होगी, हाफ नॉर्थ हो गया और हाफ ईस्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ओके अब ईस्ट और साउथ के बीच में देखें तो ये हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट, ओके अब साउथ वेस्ट के में देखेंगे तो पहले ये वाला चलेगा साउथ वेस्ट, ओके अब इधर देखते हैं तो ऊपर वाले को पहले लेंगे नॉर्थ वेस्ट, ओके ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स डायरेक्शन। चलिए आगे आ जाइए, देखिए हमारा मैप भी दिया हुआ है, इसमें दिया है नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट आपके राइट में है और वेस्ट हमारे लेफ्ट में है, ओके ये हम मैप में भी ऐसे ही डायरेक्शन पता चल करते हैं, डायरेक्शन है ना मैप, देखिए अभी इसमें बताया जाएगा मैप में क्या डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। इफ यू लुक एट अ मैप, अगर आप मैप को देख रहे हैं, हैंगिंग ऑन अ वॉल, वॉल पे जो टंग रहा है, इट्स टॉप इंडिकेट्स नॉर्थ एंड दैट बॉटम साउथ, तो इसके टॉप में जो ऊपर का एरिया है वो आपको इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट कर रहा है ये, कि ये नॉर्थ है और नीचे का एरिया इंडिकेट कर रहा है कि ये साउथ है, ओके द राइट ऑफ द मैप इंडिकेट्स ईस्ट, जो राइट है मैप के राइट में जो है वो ईस्ट है और एंड लेफ्ट में क्या है वेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, ओके सेम वैसे ही आपके मैप में है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए ये हमने डायरेक्शन और मैप आपको समझा दिया, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्केच। स्केच क्या है, A rough draw of an area or a location is called a sketch. कोई भी rough draw, हम जल्दी से roughly किसी को कोई भी चीज हम draw कर लेते हैं of an area, किसी area की और या उसका location को हम draw कर लेते हैं तो is called a sketch. वो क्या कहलाता है, sketch कहलाता है। It shows some landmarks. ये क्या हमें दिखाता है, ये हमें कुछ हमारे जो लैंडमार्क होते हैं उनको दिखाता है, ओके जो हमारे लैंडमार्क होते हैं यानी कि जमीन हमें पहचानने के लिए जो कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे आपका घर है जनरली तो आप अपने घर की पहचान कैसे बताएंगे, आप कुछ तो बताएंगे ना कि इसके बराबर में है, टेम्पल के बराबर में है या मॉस्क्यू के बराबर में है या इसकी शॉप है उसके नियर है, ऐसे आप बोलते हैं ना, जो आपका एड्रेस होता है उसके देने के बाद आप कोई लैंडमार्क बताते हो यानी कि कोई ऐसा पहचान का चिन्ह बताते हो जिससे आपको घर को फाइंड करने में इजी रहता है, ओके। इट डज नॉट शो हाउ फॉर वन प्लेस इज फ्रॉम अनदर, इट डज नॉट शो, ये नहीं दिखाता हाउ फॉर वन प्लेस इज फ्रॉम अनदर, इसमें ये नहीं दिखाया जाता कि एक प्लेस दूसरे प्लेस से कितना दूर है, इसमें ये शो नहीं कराया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए आपको इतना ही दिया जा रहा है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है, ओके नाउ थैंक यू।